कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सुबह से है बादलों की मनमौज, उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं खूब बरस बरस कर सारे के सारे शहर को धो धो कर साफ कर रहे हैं। और हम हैं कि छत पर जमा पानी को बारिश की गिरती बूंदों को मजबूर होकर चुपचाप बैठकर गिन गिन कर मजा ले रहे हैं। इधर बूंदाबांदी और उधर हम गर्मा गर्म पराठों का मजा लेने की योजना को अमल में लाने की कोशिश में लगे हैं। पहाड़ी वादियां, ठंडी हवा, ऊपर से घनघोर वर्षा, सामने गर्मा गर्म, किसका नहीं ललचाएगा दिल। करके पेट पूजा हम चले हैं, कर ले काम दूजा। घूम घूम कर सोच रहे हैं कि बारिश रुके तो शुरू करें। अचानक मौसम साफ हो गया और हम पहुंच गए पिछली श्रृंखला से आगे जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं धूमावती के तीर्थ ज्वालामुखी। जिन स्लेटों पर हम शहरों में बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं उन स्लेटों की ढलानदार छतें पहाड़ी मकानों की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। अब आ पहुंचे नागनी माता के मंदिर। मंदिर है एक नागिन का। नागिन भी इच्छाधारी, करती है लोगों की पूरी मनोकामना। कई बार यहां उसके स्त्री रूप में दर्शन होते हैं। काफी मान्यता है इस मंदिर की, काफी बड़ा मेला जुटता है यहां, हजारों की संख्या में भक्तों का आना होता है। काफी विचित्रताओं से भरा देश है हमारा। लाल शिवालय, शिव शक्ति से कुछ और ऊपर चढ़ने पर मिलता है आपको एक ऐसा शिवलिंग जिसमें से निरंतर जल निकलता रहता है। यहां एक पुजारी वर्ग में से सज्जन की मान्यता थी कि अगर मेरे संतान हो जाए तो बनाऊंगा लाल शिवालय।
आज भी संतान होने की प्रार्थना यहाँ की जाती है। ये हमारे पुजारी वर्ग में से किसी ने अपने घर में पुत्र कामना के लिए इस शिवालय का निर्माण किया था, जो कि जिन्होंने पैदल जाके काशी से शिवलिंग जो है वो अपने सर पे रख के यहाँ लाए थे। श्री राधा कृष्ण मंदिर गोरख डिब्बी के नजदीक है। ये कटोच राजाओं के समय का बनवाया मंदिर। ये ज्वा ज्योति के दर्शन है और ऊपर श्री महालक्ष्मी 18 भुजा माता के मूर्ति रूप में दर्शन है। ज्वालामुखी में ऐसे ज्वाला ज्योतियों के दर्शन 11 जगह हैं। 7 ज्योतियों के दर्शन आपने नीचे किए, एक ये और 3 ज्योतियाँ जहाँ पानी उबलता है वहाँ पे दर्शन है। ये ज्वाला ज्योतियाँ तब से हैं जब माता पार्वती राजा दक्ष के यज्ञ में सती हुई थी, उस सती शरीर की यहाँ पर जीभामुख गिरा हुआ है। जैसे नैनादेव में नैन गिरे हैं, कांगड़ा में धड़ गिरा है, कलकत्ता में अंगुली गिरी है, कामाख्या में गुप्तांग गिरा है, जहाँ जहाँ उस सती शरीर के अंग कट कर गिरे हैं वहाँ वहाँ पर उन देवियों के नाम प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे 52 सिद्धपीठ बने हैं। उन 52 सिद्धपीठों में ज्वालामुखी का नाम भी एक है। ज्वालामुखी में सती शरीर का मुख जीवा गिरा हुआ है, तभी से मुख से ज्वाला निकलती है, इसलिए इस सारे ही क्षेत्र का नाम ज्वालामुखी है। भगवती माँ ज्वाला के दर्शन जो हैं मूर्ति पिंडी में नहीं, अग्नि के रूप में भगवती के दर्शन हैं, जो निरंतर 24 घंटे दिन रात 12 महीने कुदरती ज्योतियाँ बिना घी तेल के स्वतः ही प्रज्वलित रहती हैं। आपने सुना होगा आज से लगभग 450 वर्ष पहले राजा अकबर ने इन ज्योतियों की परीक्षा ली थी। इन ज्योतियों को बुझाने के लिए राजा अकबर ने लगातार पानी गिरवाया था। उस पानी में सैकड़ों हजारों की संख्या में ज्योतियों ने दर्शन दिए थे और राजा अकबर का अहिमान चूर किया था। आज भी ज्वाला ज्योतियाँ दूध में पानी में हरेक चीज़ में दर्शन देती हैं। वैसे ज्वालामुखी में दूध पीने का महत्व है। आप पानी में दर्शन करेंगे कैसे ज्वाला ज्योतियाँ दूध पानी पीती हैं, इस लोटे में देखेंगे। बोल ज्वाला महामाई की, सच्चे दरबार की जय। मन की कामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा जय। बोल ज्वाला महामाई की। यहाँ पर भारी तालाब है, जल दिखता है गंदा पर है चमत्कारी।
फुलवरी श्वेत कुष्ठ चला जाता है। इस तालाब में जितने भी बीमारियां होती हैं, जैसे फूल वगैरह किसी को बच्चे नहीं होते हैं, या कोई वो जुएं वगैरह पड़ जाती हैं, वो सब नहाने से ठीक हो जाते हैं। काली भैरव मंदिर यहां के दर्शन से हमेशा हर प्रकार के दर्द से मुक्ति पाई जा सकती है। पांडव गुफा, यहां आकर पांडवों ने इस गुफा में निवास किया, ऐसी मान्यता है। खप्पर भरना शरणागत बालिकाम विष्ट फलम देही। खप्पर पूजन 64 योगिनी पूजन है। ब्रह्मांड के अंदर 64 योगिनी घूमती रहती है, उनके 8-8 घर होते हैं, तो उन 8-8 घरों को खुश रख करके योगिनी देवी को खुश करना होता है। माता जी की कृपा से ज्वाला जी को और योगिनी को वहाँ बुलाना पड़ता है, उनको उनकी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, उनका वाहन करना पड़ता है, वो वहाँ हाजिर हो जाती हैं देवियाँ। ऐसा विश्वास यजमान के अंदर ऐसा विश्वास डाला जाता है कि योगिनी जी यहाँ पधार गई हैं, आप खप्पर भरो, आपका खप्पर माता जी ने स्वीकार कर लिया है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। ये मंदिर की तरफ से हर बरस आषाढ़ की अष्टमी के दिन माता जी का खप्पर भरा जाता है, और यात्री लोग, पुजारी लोग, सज्जन लोग जो भी हैं, वो भी कभी कभी माता जी का योगिनी पूजन, खप्पर पूजन करते रहते हैं। इसको चावलों से, दही से, मिष्ठान से और सोमरस भी प्रयोग हो जाता है, और इस और पांच प्रकार के फलों से, पांच प्रकार की मिठाइयों से भरा जाता है। मनोकामना का इसकी कोई वो अंतिम सीमा नहीं है। जो भी यहाँ खप्पर भरवाने आते हैं, वो मैं उनसे प्रसन्न करता हूँ कि आपका काम हो गया, तो वो खुश होकर कहते हैं कि पंडित जी हमारा काम हो गया। वीरभद्र सिंह जी पहले जो मुख्यमंत्री थे, उनका मैंने दो बार खप्पर भरा, एक हिमाचल के, दूसरे मंत्री थे जय बिहारीलाल खाची जी, उनका खप्पर भरा। बाबा नागपाल थे दिल्ली वाले, जो छतरपुर मेहरौली का मंदिर है, उनका खप्पर भरा। तो छोटे से छोटे आदमी भी और बड़े से बड़े राजनेता भी खप्पर भरवाते ही रहते हैं। वंशावलियों का हिसाब। पहले ये परंपरा होती थी कि यात्री अपने पुरोहित के स्थान पर आकर ठहरते थे, पंडित ही यात्रियों के ठहरने तथा खाने का इंतजाम करते थे।
इस प्रकार लिखी गई पीढ़ी दर पीढ़ी बहियां वंशावलियों की। यह है मेरी कुलदेवी का स्थान। सेजा भवन मुख्य मंदिर के सामने है ये ज्वाला देवी का शयन कक्ष। यहाँ है बीचो बीच संगमरमर का चबूतरा, इस पर चांदी लगी है। माँ के चरणों में उन्हें सुख सारे मिल जाएं। चारों तरफ है 10 महाविद्याओं की मूर्तियाँ। संसार में माँ का करे गुणगान, प्राणी जो संसार में माँ का करे गुणगान। रात्रि 10 बजे शयन आरती के उपरांत भगवती के शयन के लिए कपड़े तथा श्रृंगार का सामान रखा जाता है। जमीन पर भी रात का जादू छाने लगा है। बाजारों में रात की रौनक बढ़ने लगी। अगले दिन मिलेंगे आपको नए तीर्थ पर। तब तक के लिए राम राम।